10 वोल्ट और 11-12 मैंने 11.9 वोल्ट लगभग 12 10 और 12 वोल्ट यहां पर मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले एग्जूम चार्जर के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों तो आइए एग्जूम चार्जर के बारे में स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं और उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसका क्या फंक्शन है और कैसे हम ये जानेंगे कि कौन सा सेक्शन सही है या ओके या फॉल्ट। दोस्तों एग्जूम चार्जर में सबसे पहले ये वायर 220 वोल्ट एसी इनपुट है जो कि आपको इस पॉइंट पर जुड़ा होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एसी इनपुट कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको पहले एक एसी फ्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एसी फ्यूज कहते हैं, इससे ये जुड़ा होता है जो लाइव का ट्रैक है और दूसरा ये न्यूट्रल का ट्रैक। ये 220 वोल्ट एसी इन कुछ कंपोनेंट के द्वारा, जैसे ये वीडीआर है और ये लाइन फिल्टर क्वाइल है या लाइन फिल्टर सर्किट है, इससे होता हुआ जैसा कि आप ये ट्रैक से देख रहे हैं ये ब्रिज डायोड है, पैक ब्रिज डायोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैक ब्रिज डायोड है, यहाँ पर पहुंचता है जिसे ये डीसी में चेंज कर देता है या बदल देता है। और यहाँ पे दो पोलराइज कैपेसिटर लगाए गए हैं जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, वो 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एसी फिल्टर सर्किट है और ये डीसी फिल्टर सर्किट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इतना ही देखना है कि क्या एसी फिल्टर और डीसी फिल्टर सर्किट सही है या नहीं, हम इसको कैसे पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डीसी फिल्टर सर्किट ठीक है या नहीं, इसको लाइव हम लोग प्रैक्टिकल में देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को 220 वोल्ट एसी में रख करके चेक करेंगे एसी वोल्टेज की आ रही है कि नहीं, उसके बाद हम डीसी वोल्टेज इस पर चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसे सीरीज बल्ब में हमें लगाना है, सीरीज होल्डर के साथ लगाना है और इस बात का खास ध्यान देना है कि हर हालत में ये सीरीज होना चाहिए। और मल्टीमीटर को 700 वोल्ट या 600 वोल्ट एसी में सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये एसी का साइन है और ये भी लिखा है, एसी भी का मतलब एसी वोल्टेज और 700 वोल्ट एसी पर मैंने सेलेक्ट किया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके इनपुट वोल्टेज मुझे चेक करने हैं 220 वोल्ट एसी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये 220 वोल्ट एसी इनपुट का पॉइंट है, यहाँ पे हमें 220 वोल्ट मिलने चाहिए। आप देख रहे हैं मीटर में, आप देख सकते हैं कि 230 के आसपास आ रही है वोल्टेज इनपुट, यानी एसी इनपुट तो ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि चार्जर के अंदर एसी सर्किट यानी एसी फिल्टर सर्किट पूरा सही है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रिज डायोड के चार टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस और बीच वाला दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो एसी इनपुट का होता है। तो ये 220 वोल्ट एसी जो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो यहाँ पर भी मिलना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो एसी सर्किट सही मानी जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 230 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब कंप्लीट एसी सर्किट को हम ओके माने। अब इसे आगे मुझे जानना है कि क्या ये डीसी सर्किट सही है या नहीं। तो इसके लिए ये दो कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, एमएफसी भी लोग कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब यहाँ पर एसी इनपुट दी जाती है तो ब्रिज डायोड से डीसी में बदल देता है और कैपेसिटर उसे फिल्टर करता है। इस तरह से हमें यहाँ पर 300 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये एमएफसी का माइनस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल के तरफ जो ये पिन है यहाँ पे हम ब्लैक प्रॉब रखेंगे और रेड प्रॉब इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर। 300 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारा मल्टीमीटर डीसी रेंज पे होना चाहिए, डीसी वोल्ट पे हमें रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको ये 200 के बाद सीधा इस मीटर में 1000 है, तो 1000 पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे हमें 300 वोल्ट मिल गया तो डीसी सर्किट ओके है, अदरवाइज फॉल्टी। देखते हैं दोस्तों कि ऐसा होता है या नहीं। तो
आप देख रहे हैं कि 225 सॉरी 325 के आसपास, यानी 311 होना चाहिए, वैसे 325 भी ठीक मानी जाएगी, यानी एसी और डीसी दोनों सर्किट बिल्कुल ओके है। तो ये कहा जा सकता है कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट इस चार्जर में बिल्कुल ही सही है। अब मुझे ये जानना है कि क्या ये स्विचिंग कर रहा है या नहीं, क्या हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं। तो इसके जानने के लिए हमें सीधा इसके सेकेंडरी हिस्से में आना होता है और हमें यहाँ पर लगभग 48 से 50 वोल्ट चेक करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिले लगा हुआ है और ये बैटरी का सप्लाई दिया जाता है, साथ ही साथ ये डीसी फ्यूज है। तो अब इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से कसा हुआ नट बोल्ट के साथ, इसके अंदर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो क्या होता है, डायोड, जिसे शॉटकी डायोड कहा जाएगा। तो दोस्तों ये शॉटकी डायोड के पिन हैं, शॉटकी डायोड के ये पिन है तीन, ये एनोड वन, एनोड टू और ये कैथोड जंक्शन। उसी तरह से इसमें भी है एनोड वन, एनोड टू और कैथोड जंक्शन, यानी हमें यहां पर लगभग 50 वोल्ट मिलना चाहिए या 48-50 वोल्ट डीसी प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सर्किट ठीक है, अदरवाइज फॉल्टी। तो दोस्तों पहले ये देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो 50 वोल्ट चेक करने के लिए हम डीसी वोल्ट पर भी एडजस्ट करके देख सकते हैं। ये ग्राउंड का ट्रैक है, ग्राउंड पर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे और रेड प्रोब सीधा कैथोड जंक्शन पे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो वोल्टेज मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट जिसे प्राइमरी हिस्सा कहते हैं या एसी डीसी सर्किट कहते हैं, वो सर्किट तो ठीक है, लेकिन अब स्विचिंग वाला हिस्सा, यानी ये स्विचिंग सर्किट है जिसे पुश पुल स्विचिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुश पुल सेक्शन या पुश पुल स्विचिंग कैसे पहचानेंगे, इसके भी रूल हम आपको आगे वाले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल हम इसके जानना चाहते हैं कि क्या पुश पुल काम कर रहा है या नहीं, या स्विचिंग काम कर रहा है या नहीं। तो इसके गेट पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा, ड्रेन पे वोल्टेज चेक करना होगा और सोर्स पे वोल्टेज चेक करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए मल्टीमीटर को हमें 1000 वोल्ट पे एडजस्ट करना है डीसी पर, और क्योंकि मैं प्राइमरी हिस्से में स्विचिंग के ड्रेन गेट और सोर्स का वोल्टेज चेक करना चाहता हूं, तो हमें क्या करना है, ब्लैक प्रोब को एमएफसी के निगेटिव पर यानी माइनस पे रखना है और सीधा ड्रेन पे वोल्टेज चेक करना है कि क्या ड्रेन पे वोल्टेज आ रही कि नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं ड्रेन पे वोल्टेज, ध्यान से देखिए तो आ रहा है 300 वोल्ट। अब इसके सोर्स पे चेक करना है तो आधा वोल्ट यानी 150 मिलना चाहिए, यानी मेन वोल्टेज का आधा, जैसे आप देख रहे हैं 325, तो लगभग यहां पर 170 के आसपास मिलना चाहिए। तो आ रहा लगभग 100, यानी लगभग थोड़ा सा कम आ रहा, लेकिन मिल रहा है, यहां पे वोल्टेज मिल रही है जिसे डिवीजन वोल्टेज कहा जाता है। फिर उसी तरह से अब इसके गेट पे वोल्टेज मिलना चाहिए, गेट पे वोल्टेज मिलेगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो गेट पे वोल्टेज हमें चेक करना है, तो गेट ये है और आप देखिए कितना आ रहा है, गेट पे भी 120 वोल्ट मिल रही है, यानी ये मॉस्फेट तो काम कर रहा है। अब हमें इस मॉस्फेट के गेट ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज चेक करना। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसका वोल्टेज तो जीरो ही होगा क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके ड्रेन पर आधी वोल्टेज प्राप्त होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आ रहा है लगभग 98-99 वोल्ट, जो कि अभी गलत मानी जाएगी, आधा मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा, ये स्विचिंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ आपको इस साइड का वोल्टेज चेक करेंगे, यानी दूसरे मॉस्फेट का गेट का वोल्टेज, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है इसलिए लगभग यहाँ पे 0.5 है, यानी 0.5 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए या 0.2 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। इसलिए मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी के रेंज पे एडजस्ट करके इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूं। अब यहां पर देख रहा हूं तो कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसके लिए मुझे आगे कुछ बताना पड़ेगा, उसके बाद ये सर्किट को आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कि यहाँ पर गेट का पल्स नहीं पहुंच रहा है, ड्रेन की वोल्टेज तो आ रही है लेकिन गेट का पल्स नहीं मिल रहा। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि गेट का पल्स इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये आईसी जिसे ओसिलेटर आईसी कहा जाता है, ये 35-25 आईसी है जिसे ओसिलेटर आईसी कहा जाता है। इस ओसिलेटर आईसी को सप्लाई मिलनी चाहिए। जब तक ये ओसिलेटर आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगा तो इसके साथ लगा हुआ ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले आईसी के सप्लाई पिन पर सप्लाई मिलना चाहिए। जैसे ये सप्लाई मिलती है तो ये आईसी काम करेगा और काम करने के बाद ड्राइव पल्स, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टरों के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर पल्स पहुंचना चाहिए इस आईसी के द्वारा। फिर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करेगा और ड्राइवर ट्रांसफार्मर जब काम करेगा तो इसके सेकेंडरी से एसी वोल्टेज मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये एसी वोल्टेज इसके सेकेंडरी से मिल करके ये पहुंचा है इसके गेट पर और इसके भी गेट पर। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि जब तक ड्राइव सिग्नल स्विचिंग मॉस्फेट के गेट तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता, यानी आपको आउटपुट नहीं मिल सकती। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके गेट पे पल्स मिलने लगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सर्किट ठीक है या नहीं। वो 10 वोल्ट 12 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो बैटरी के थ्रू आती है। तो दोस्तों बैटरी के थ्रू आने के लिए कहां पे पहुंचता है पहले वहां पर देख लें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 10-12 वोल्ट की सर्किट यहाँ पे बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि 10-12 वोल्ट का सर्किट ये रजिस्टरों के द्वारा बनाई गई है। इन रजिस्टरों के द्वारा 10-12 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन इस रजिस्टर की वोल्टेज कैसे मिलेंगे इसके लिए हमें बैटरी की सप्लाई देखनी होगी कि जुड़ी है कि नहीं। अगर नहीं जुड़ेगी तो नहीं मिलेगा, या बैटरी से सप्लाई नहीं आएगी तो भी ये नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसको मैं पहले तो बैटरी की सप्लाई एक बार देख लूं आ रहा है या नहीं। यहाँ तो बंद है, अब हमें इसे एमसीबी को ऑन करना होगा, साथ ही साथ इसकी बैटरी का कनेक्शन भी करना पड़ेगा मुझे। तो बैटरी का कनेक्शन करने के लिए हमें माइनस को माइनस में जोड़ना पड़ता है, ये मैंने जोड़ दिया, और उसके बाद प्लस, ये प्लस वाला पॉइंट को ले लेंगे और प्लस को भी जोड़ेंगे। जोड़ देने के बाद अब हमें यहां पर देखना है, ये मैं अलग रख देता हूं, सटना नहीं चाहिए। अब हमें यहां पर देखना है कि क्या 10-12 वोल्ट आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हमें डीसी पर ही चेक करना है। तो अब हमें 10 वोल्टेज यहां पर चेक करना है कि आ रही है या नहीं। इसके लिए हमें इस स्विच को ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद अब हमें देखना है कि यहाँ पे 10-12 वोल्ट बन रहा है या नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज चेक करना है तो आपको मेन ग्राउंड का इस्तेमाल करना होगा, यानी आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर का जो माइनस होता है उस पर रखना है। तो देखिए दोस्तों मैंने ऐसा ब्लैक प्रूफ रख दिया है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट कर दिया है क्योंकि 10-12 वोल्ट मिलता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं आता है कि नहीं 10 वोल्ट और 11.9 वोल्ट, लगभग 12, 10 और 12 वोल्ट यहां पर मिल गया। आप फिर से एक बार देख लीजिए, 10 वोल्ट और दूसरे वाले में पर 12 वोल्ट। अगर ये सर्किट नहीं काम करेगा तो इसके गेट पे पल्स नहीं पहुंचेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी सप्लाई पिन जो होती है 13 नंबर, इस पे सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि 10-12 तो मिल गया लेकिन इसके 13 नंबर पे सप्लाई मिलनी चाहिए 12 वोल्ट। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 12 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट काम कर रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब तक 10-12 वोल्ट नहीं मिले बनेंगे तब तक आपको यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये बैटरी वाला ही सप्लाई रेगुलेट होकर के पहुंचती है दोस्त। अब ये सप्लाई तो यहां मिल गई तो क्या अब स्विचिंग हो रही है या नहीं हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे स्विचिंग हो रही है या नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे रूल हैं,
हमारे यहाँ बहुत सारे रूल बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से आपको मैं एक या दो रूल फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारे रूल सीखेंगे कि कैसे पता करेंगे कि ये स्विचिंग हो रही है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले एक दो रूल मैं आपको दिखा दूँ कि स्विचिंग हो रही है कि नहीं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को एसी रेंज में सेलेक्ट करना होता है, एसी रेंज में सेलेक्ट करना होता है, और जो एसएम ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी टू प्राइमरी मुझे वोल्टेज चेक करना होता है। जैसे कि ये एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टू प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए एसी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इसके प्रोब को बदलूं, जैसे कि अभी 53 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, जब मैं इस प्रोब को बदलूं तो ये वोल्टेज या तो इससे बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। अगर बराबर हुआ तो काम नहीं कर रहा है, अगर अलग अलग मिला तो इसे सही मानी जाए। तो देखिए अब अभी 56 वोल्ट आ रहा है, मैं इसको प्रोब को बदल रहा हूं इन्हीं दोनों टर्मिनल पर तो कम हो गया, इसका मतलब है कि स्विचिंग हो रही। अगर ये बराबर होता तो स्विचिंग नहीं मानी जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे और टेक्निक हैं, उनमें से एक और तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे पास कम से कम 10-12 तरीके हैं कि कैसे पता करेंगे कि स्विचिंग हो रही है या नहीं। तो आगे की जब आप कभी मिलेंगे मुझसे तो आप सीख लेना। फिलहाल एक और तरीका दिखा रहा हूं मैं आपको, वैसे सेम यहां पर भी हम प्राइमरी अभी सेकेंडरी चेक कर रहे थे, आप प्राइमरी साइड में चेक करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ एसी वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखिए 15-16 वोल्ट मिल रहा है। अब मैं प्रोब बदलूंगा तो ये वोल्टेज बढ़ जानी चाहिए या घट जानी चाहिए। ठीक है, तो कुछ घटा है, पहले से घट गया तो भी ये स्विचिंग हो रही। तो दोस्तों आपने आज सीखा कि कैसे स्विचिंग हो रही है, कैसे पता करेंगे एज्यूम चार्जर में। दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं जो हम आप कभी मिलेंगे आमने सामने तो और भी बारीकियां सीखेंगे। दोस्तों थैंक यू आज के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।